What's up guys and welcome back to another video. आज हम लोग फिर से खेलने वाले हैं Minecraft in the Hero Brian SMP. और आज मुझे थोड़ा सा दुख है. देखो, मैंने कैसीनो बनाना चालू कर दिया, मैंने स्काईरेल बनाया है, मैंने UFO बनाया है, मैंने बहुत कुछ किया है, पर अभी तक एक ऐसा चीज है जो मेरे पास नहीं है पर सबके पास है, द ट्राइडेंट. और अगर मैं सच्ची बताऊं तो कल तक मेरे को ट्राइडेंट से कुछ फर्क नहीं पड़ता था, पर आज अभी मेरे को ट्राइडेंट चाहिए. तो मुझे ट्राइडेंट किधर मिलेगा अभी? मेरे को ट्राइडेंट किधर मिलता है, कैसे मिलता है वो भी नहीं पता. ईशान भाई सर पे है क्या? ओ ईशान भाई, ईशान भाई डिस्कॉर्ड आओ. हेलो रानी भाई, बोलो. ईशान भाई एक लफड़ा, मेरा ना एक तकलीफ है लाइफ में. क्या तकलीफ? मेरे को ना मतलब थोड़ा सा ना ऐसा थोड़ा सा ना मतलब ऐसे कॉम्प्लेक्स सा होता है मेरे को सर्वर में आके, मतलब ऐसा मन नहीं करता कि मैं हीरो ब्राइन में खेल. मतलब यार क्या सबके पास ट्राइडेंट है, मेरे पास नहीं है ना. ये ट्राइडेंट ऐसा मेरे हाथ में वो, हाँ हाँ, ऐसा गंदा लगता है. तो दिखा रहे यार. नहीं मतलब ऐसा ना मेरे को ना ऐसा बड़ा इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आती है. मतलब मैं आता हूँ, चपाती भाई तो खेलते भी नहीं है, उसके पास भी ट्राइडेंट है, ऐसे आके ना फेंकते रहते हैं यहाँ से वहाँ. ये फ्लीट के पास तो 100-150 ट्राइडेंट रहेंगे, पता नहीं कितने यार. ऐसे मतलब जो लोग मजे करते हैं ऐसे ट्राइडेंट से उड़ते हुए आपको देख के मजा आ ना यार. क्यों दिखा रहे हो मेरे को मुंह के सामने आके मेरे? अरे ईशान भाई तीर मार दूंगा, ईशान भाई मैं तीर मार दूंगा, ईशान भाई तीर मार दूंगा, ईशान भाई ऐसे 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 मार दूंगा, ईशान भाई तीर मार दूंगा, ईशान भाई तीर मार दूंगा. सॉरी सॉरी, नहीं नहीं मस्करी का सॉरी 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 सॉरी. ईशान भाई आपको डायमंड दूंगा, इधर डायमंड दूंगा, ये लो मैं आपको डायमंड दूंगा. मैं आपको डायमंड वैसे आउट ऑफ गुडविल में डायमंड दे रहा हूँ आपको, बिकॉज वी आर फ्रेंड्स, वी आर गुड फ्रेंड. मैं आपको डायमंड दे रहा हूँ. अच्छा ये लो तो सही. अरे अच्छा इधर उधर, आपको ना मैं सबसे सही ब्लॉक दूंगा, ठीक है? आपको ना मैं एक सबसे सही चीज दूंगा, ठीक है? हाँ, इतनी चुम्मा चीज दूंगा ना, इतनी चुम्मा चीज दूंगा ना, तू परेशान देख के भाई क्या दे दे रोनी ने मेरे को. चलो भाई ये तो मेरी चीज है, स्पाई ग्लास. हाँ पर मैं दिया ना आपको. नहीं 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 नहीं, अरे चीज आपकी है तो वो ठीक है ना, पर ओ मुझे मिल गया. नहीं. सो गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर तुमने तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक करो. आज के वीडियो का लाइक गोल रखते हैं 75,000 लाइक्स का. और अगर तुम मेरे इस चैनल पर नए हो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे एक लाल रंग का सब्सक्राइब बटन, उसको जाकर जोर से ऐसे ऐसे करके मार दो. हमारा ये एंड तक का टारगेट है 3 मिलियन सब्सक्राइबर्स पहुंचना, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो और हमें सपोर्ट करो हमारा टारगेट संपन्न करने के लिए. नहीं मतलब चीज आपकी है पर मैंने दिया ना आपको. चोरी करके लेके गया. नहीं लेके यूज भी कर लिया उसको. अरे आपका ही फोटो लिया, देखो इंस्टाग्राम पे डाला भी था मैंने, आपका ही फोटो लिया. हाँ हाँ रुको रुको, नहीं रुको आप रुको, मैं मारूंगा इसको, मैं मारूंगा. कैसे मारा आपको? हाँ तू कैसे मारा ईशान भाई को, जानता है तू कौन है? ईशान भाई, ईशान भाई है, ठीक है? हाँ अच्छा ईशान भाई सुनो ना, एक मतलब ऐसा अपन दोनों भाई भाई ना, ऐसा भाई भाई ना, ऐसा ईशान भाई रोनी भाई, ऐसा भाई भाई ना, ऐसा गले आ जाओ, गले मिलके ऐसा फोटो लेते, आजाओ गले मिलके ऐसा तस्वीर लेते. हाँ ऐसा भाई भाई ऐसा, अच्छा ना ऐसा भाई भाई ना, ऐसा हाँ ऐसा भाई भाई ना. तो ईशान भाई मैं क्या बोल रहा है, बोलो. ट्राइडेंट दे दो ना. नहीं एक एक मेहनत करके लेके आओ, पूरा फार्म भी मैं तुम्हारा इतना बड़ा एक. नहीं मैं क्यों दूंगा? देखो देखो ईशान भाई, देखो कितना मैं अच्छा बच्चा हूँ, मैं इतना अच्छा अच्छा फार्म बना सबके लिए, मैं फार्म में मैं देखो मैं कारपेट फार्म बनाया सब लोग के लिए बनाया. एक ट्राइडेंट फार्म बना दो आप खुद से. आता होता तो बना देता ना, अभी तक आता नहीं है ना. एक ट्राइडेंट दे दो ना, छोटा ज्यादा कुछ नहीं, छोटा ट्राइडेंट. ये सारे फार्म देखो, ट्राइडेंट फार्म में मैं बताता हूँ एक किच ट्राइडेंट, ट्राइडेंट फार्म में और इसमें डिफरेंस क्या बाकी सारे फार्म में. बाकी सारे फार्म बनते पानी के ऊपर, लाइक पानी के अंदर नहीं बनते, तो ये बनाना काफी इजी है. ट्राइडेंट फार्म पानी के नीचे होता है. अरे ईशान भाई देखो, मैं देखो देखो ईशान भाई देखो, मैंने रेल का फार्म बनाया सबके लिए बनाया है ना, मैंने अभी कारपेट का फार्म बनाया सबके लिए बनाया, मैंने उधर वो वाला बनाया, क्या बनाया वो सुपर स्मेल्टर सबके लिए बनाया, बनाया कि नहीं? मदर फादर मैनर्स गुड ना एकदम, बताओ बनाया कि नहीं मैंने? तो एक आइटम फार्म में हेल्प की, कॉबलस्टोन जनरेटर में वो तो. ईशान भाई आप तो ओपी हो यार, ईशान भाई आपसे ओपी कोई है क्या इस बताओ, इस सर में कोई ओपी है क्या आपसे ज्यादा बताओ? आप इतने ओपी हो कि आपको सर में ओपी दे देना चाहिए, बताओ. आप इतने ओपी हो फिर आप और ओपी बन जाओगे, आप ओपी बन जाओगे पूरा. ट्राइडेंट तो नहीं दूंगा, कुछ स्कीम बताओ ना ट्राइडेंट लेने का. ऐसा एक फार्म है ना, एक तो दे दो ना यार. क्या ईशान भाई यार, एक फार्म तो दे सकते हो ना फार्म से यार. फार्म है ना, फार्म में वैसे भी एफ के होना पड़ता है,
अच्छा मेरे पास एक स्कीम है, ठीक है, पास एक मस्त, एक ना मस्त प्रपोजल है, ठीक है, तुम्हारे लिए। अगर मैंने तुम्हारा वो ट्राइडेंट वाला फार्म ढूंढ लिया तो एक ट्राइडेंट मेरा। मैं तो उस फार्म को ना वैसे भी तोड़ने वाला हूं, तो उसके पहले अगर ढूंढ सको तो ढूंढ लो। मतलब देखो, जस्ट टू बी वेरी क्लियर ईशान भाई, ठीक है, बाद में लफड़ा नहीं मांगता मेरे को, ठीक है, जस्ट टू बी वेरी क्लियर, अगर तुम्हारा जो ट्राइडेंट फार्म बनाए ले उसको मैं ढूंढ लूं तो उसमें से ट्राइडेंट मेरा। हाँ, एक या दो जितने मिल सकते, जितने मिल सकते उतने मेरे। हाँ, कंफर्म। आर यू श्योर अबाउट इट? मैं तोड़ने वाला उसको। मतलब अगर मेरे को मिल गया तो ट्राइडेंट मेरे। हाँ, पक्का, नो चेंज ऑफ हार्ट? यस, पक्का ना भाई? मैं एक बार बोल दिया तो बोल दिया। थैंक यू ईशान भाई, मैं जा रहा हूँ, मेरे को ट्राइडेंट चाहिए। अरे गाइस, इमेजिन करो अगर मेरे को भर भर के ट्राइडेंट मिल गया, मैं पूरा इन्वेंटरी भर के ट्राइडेंट, भाई ट्राइडेंट को धंधा करेगा आज मैं। अरे ईशान भाई, ओपी भाई, चलो चलो घर में जल्दी सामान ले, चलो ईशान भाई, थैंक यू भाई। ओके, मस्ते, रुको, इधर में मेरा पूरा इन्वेंटरी खाली करेगा, मैं मेरा पूरा इन्वेंटरी इधर खाली करने वाला हूँ, मैं सब कुछ रख के जाऊंगा। ये सब मैं ना कुछ नहीं लेकर जा रहा हूँ, ठीक है, ये सब मैं कुछ नहीं, मैं सिर्फ इतनी चीज लेकर जाऊंगा। इमेजिन करो बस, अगर सब कुछ सही चला और अगर मुझे ईशान भाई का ट्राइडेंट फार्म एक्चुअली मिल गया तो गाइस बस तुम इमेजिन करो मैं कितना सारा, मैं मेरा पूरा इन्वेंटरी भर के ट्राइडेंट लेकर आऊंगा। ओके, अभी जल्दी से अपने को चल के ढूंढने गए, तो ईशान भाई चले गए, ईशान भाई कुछ काम था, पर मुझे अभी चलना है ढूंढने को कि ईशान भाई का वो फार्म किधर है। अब मेरा पहला सवाल है कि ये फार्म किधर हो सकता है। देखो, अपन इस तरफ गए ले, इधर भी एक सी है जहाँ पे डेजर्ट में गए थे सैंड लाने के लिए, पर आई डोंट थिंक सो कि वहां पर मैंने कुछ देखा था। दूसरा हुआ ये जगह, इस तरफ भी आई डोंट थिंक सो होने वाला है क्योंकि वहां पर हम लोग सब अभी गए थे, तो आई डोंट थिंक ईशान भाई वहां बनाएंगे। तीसरा जगह है यहाँ पर जहाँ मैं, स्मार्टी पाई और ईशान भाई तीनों बहुत पहले गए थे। आई एम नॉट श्योर यहाँ पर वो है क्या, बट आई थिंक द हाईएस्ट लाइकली चांसेस इधर होने। ओके, चलो 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 ढूंढे चलो। भाई मेरे पास घोड़ा बीड़ा नहीं है क्या? किसी के पास घोड़ा बीड़ा नहीं है क्या? यहाँ पर मुझे पूरा पैदल जाना पड़ेगा। किसी का घोड़ा बीड़ा है क्या? किसी का घोड़ा हो तो भाड़े पे घोड़ा लेके जाऊं मैं। नहीं, आई डोंट थिंक सो घोड़ा है किसी का। तो गाइस, अपने को चल के जाना पड़ेगा, तो लेट्स एम्बार्क ऑन अ जर्नी टू ब्रिंग बैक अनलिमिटेड ट्राइडेंट्स इन हीरोब्राइन एसएमपी। ओह माय गॉड, चलो 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 चलो, सफर का शुभारंभ किया जाए ट्राइडेंट के लिए। भाई अगर मुझे वो ट्राइडेंट फार्म मिल गया तो ईशान भाई ने बोला है कि तेरे को जितना ट्राइडेंट चाहिए उतना ले ले। आई मीन ऐसा बोला था कि एक दो ले लेना, बट ऐसा उठा लेने का। भाई इधर चपाती भाई एक ट्राइडेंट लेके आया, फ्लीट दो ट्राइडेंट लेके आया, मैं पूरा इन्वेंटरी भर के ट्राइडेंट लेके आऊंगा। मतलब मैं इतना ट्राइडेंट लेके आऊंगा कि लोग परेशान। मैं तो बस इमेजिन कर सकता हूँ कि चपाती भाई कैसे बोलेंगे, ओए रोनी मामू, ओए मामू चूना लगा दिया मामू, कहाँ से लेके आया भाई मामू, अरे ब्रोनी कहाँ से ले आया इतने सारे, ओ भाई अरे मामू। ओके, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि रास्ते में जाते जाते मुझे कुछ इंटरेस्टिंग से चीजें मिलेंगे। तो इधर क्या है, ये क्या है? ओ उधर पम्पकिन उगा है। अरे यार गाइस, मैं एक चीज तो भूल ही गया, मैं बेड लाना भूल गया, मुझे जस्ट याद आ रहा है। ओके, बिना बेड के मैं रात को सोऊंगा कैसे? अच्छा कोई बात नहीं, बिना बेड के मैं इधर ही शायद से मैं शीप वीप पकड़ के बेड बना लूंगा अपने लिए, कोई टेंशन की बात नहीं है, टेंशन की बात है, मेरे को ऐसे गिर के नहीं मरने का है। हेलो घोड़े, यार मेरे पास सैडल नहीं है ना, मैं सैडल होता तो मैं ना घोड़ा लेके भाग जाता, बिना सैडल के मुझे भागना पड़ेगा। ओ नसीब पानी पे गिरा। गाइस तो जहां तक मुझे पता है कि जो ट्राइडेंट फार्म है वो समंदर के बीच में। मैंने ईशान भाई का वीडियो देखा अभी जस्ट थोड़ी देर पहले, और उससे मुझे पता चला है कि जो ट्राइडेंट फार्म है वो ऐसा कहीं लैंड के आसपास नहीं है, वो जो भी है ना वो समंदर के बहुत ही अंदर बीच में। तो आई थिंक मुझे तो समंदर ढूंढना है, मुझे बस कहीं भी चलना है, मुझे समंदर ढूंढना है, और समंदर के अंदर मुझे शायद से एक बड़ा सा टावर दिखेगा। हाँ, ईशान भाई ने ना बड़ा सा टावर बना के रखा है, तो मुझे बस कहीं भी चलना है और कहीं भी चल के मुझे बस एक बड़ा सा टावर ढूंढना है। जैसे ही मुझे बड़ा सा टावर मिल जाएगा, दैट विल बी इट, वो होगा ईशान भाई का ट्राइडेंट फार्म। हमें ट्राइडेंट फार्म मिल चुका होगा। क्या ये समंदर है? नहीं। ओके, चलते रहो ट्राइडेंट फार्म किधर है ईशान भाई? ट्राइडेंट फार्म ईशान भाई किधर है? ट्राइडेंट फार्म ईशान भाई किधर है तुम्हारा ट्राइडेंट फार्म? ट्राइडेंट फार्म क्या ये समंदर? घंटा समंदर, घंटा
भाई ये कितना प्यारा लग रहा है ना बर्च का फॉरेस्ट, मतलब मुझे आज तक बर्च का फॉरेस्ट इतना प्यारा कभी नहीं लगा है। ओ नाइस, सो क्यूट, कितना क्यूट क्यूट सा दिख रहा है बर्च का फॉरेस्ट। देखो यार यहाँ पर मुझे एक घर बनाना चाहिए। और गाइस इमेजिन करो अगर ये बर्च फॉरेस्ट में जो भी झाड़ के पत्ते है वो सारे पत्तों को हम लोग रिप्लेस कर दे विद पिंक वुल, भाई कितना प्यारा लगेगा ना, इमेजिन करो। इधर आ, मेरे को वुल चाहिए। थैंक यू वुल के लिए, थैंक यू वुल के लिए। ओके ओके, मेरा बेड का जुगाड़ ऑलमोस्ट हो चुका है। यार मुझे यहाँ से झाड़ नहीं काटना यार, ये बहुत क्यूट है यार, मैं कहीं से भी झाड़ काट लूंगा पर यहाँ से नहीं काटूंगा, बहुत प्यारा ये। ओके इस तरफ चलने का भाई कितना दूर है यार यहाँ पर। गाइस इमेजिन करो मैं इतना दूर चल चल के जाऊंगा और उसके बाद जब मुझे नहीं मिलेगा, हाउ डिसअपॉइंटिंग विल दैट बी। हम लोग जितना भी एक्सप्लोर किया है आई डोंट थिंक सो कि ईशान भाई को किधर और समंदर में ये मिला था। ओ गाइस आई जस्ट रियलाइज, मुझे लग रहा है कि जो समंदर में जो स्पॉन होता है ट्राइडेंट, आई थिंक समंदर में ट्राइडेंट जहाँ पे स्पॉन होता है वो जगह पे ना ये रहता है, वो छोटा था ना जो घर की तरह एटलांटिस डूबा हुआ, आई थिंक उधर ही ज्यादा स्पॉन होता है उन लोग। तो मेरे को लगता है कि इधर ही ईशान भाई को मिला रहेगा। किधर है क्या यहाँ पर समंदर है क्या? अबे यार यहाँ मुझे समंदर दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है, पर समंदर किस तरफ है। मैं इधर से झाड़ काट सकता हूँ, मेरे को ऐसा पता नहीं क्यों लग रहा है मुझे समंदर की हवाएं चल रही है, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है, शायद से समंदर इधर ही छे, शायद से गाइस समंदर इधर ही छे। ये रहा समंदर, ये समंदर है, समंदर मिल गया गाइस। वे नदी है बे, घंटे का समंदर है वो। समंदर के नाम पे कब से स्कैम हो जा रहा है अपने साथ गाइस। क्या यहाँ पर समंदर है? अबे रात हो रही है, मुझे सोना है। अरे पर टेंशन किधर है, मेरे पास तो वूल पड़ा है, मैं तो वूल लेकर आया, इजी, मैं इधर ही बेड बना के सो जाएगा, परफेक्ट। आ जाओ एक झाड़ तोड़ते, ओके इसको तोड़ते। ओ वेट व्हाट, अबे मैं मेरा एक्स लाना भूल गया, तो मुझे अभी झाड़ तोड़ना पड़ेगा द ओल्ड एंड ट्रेडिशनल वे, हाथ से। हाँ भाई मतलब इसमें थोड़ी कोई कमी है, इसमें कोई कमी थोड़ी ना है। इट्स आई नो मेरे पास आई ओन अ कैसीनो बट आई एम अ वेरी डाउन टू अर्थ पर्सन गाइस, ठीक है, मैं बहुत ही डाउन टू अर्थ बंदा हूँ। झाड़ हम हाथ से तोड़ते, ठीक है, वी नेवर फॉरगेट्स आवर हम्बल बिगिनिंग्स। ठीक है, इससे क्राफ्टिंग टेबल बना लेंगे और क्राफ्टिंग टेबल से हम ये बेड बना लिया, परफेक्ट। अभी बेड को हम लगा लेंगे इधर और सो जाएंगे। यस लेट्स गो बैक टू अवर जर्नी गाइस, हमें हमारे सफर पे वापस चलना है, हमें समंदर ढूंढना है दोस्तों। इसका ये बी हाइव ना मुझे कभी ठीक से यूज करना नहीं आया है, मतलब मैंने कभी बी हाइव ए भाई बन नहीं 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 तू रख ले, तेरा बी हाइव तू रख ले। अबे क्या करेगा बे, हैं मैं बोला जाके थोड़ा सा शेंडी मारेगा उसको, नहीं फट गया ये डगाई का मुंह के सामने आके। गाइस अभी मेरे को लग रहा है ना कि मेरे को डायरेक्शन चेंज करना पड़ेगा, इधर समंदर अपने को नहीं मिल रहा है तो अपन लोग इस तरफ जाएंगे अभी, ठीक है, अपन लोग अभी ये डायरेक्शन में लेफ्ट टर्न मार लेंगे क्योंकि समंदर ही नहीं मिल रहा है, मैं जाऊँ किधर भाई। समंदर ही नहीं है, सब कुछ है पर समंदर नहीं है, समंदर इधर कुछ नहीं मिल रहा अपने को। हेलो डुक्कर डुक्कर डुक्कर, क्वाइंग, मैं कुछ गलत बोल दिया क्या? लगता है मैंने उसको डुक्कर भाषा में गाली दिया, भाग गया मेरे को देख के दूर। ओके सॉरी डुक्कर, सो नॉन पोगो टीवी रॉनी, मदर फादर मैनर्स बैड। क्या यहाँ पर समंदर है? मेरे को समंदर वाला वाइब्स। हाँ घंटे का समंदर भाई, एक समंदर दिला दे यार, और कुछ डिमांड नहीं, एक समंदर दिला दे बस भाई। समंदर किधर है यार? मैं फुल खुशी में जोश में ऐसा हाथ हो गया था कि ट्राइडेंट फार्म तेरा भाई ढूंढेगा, पर किधर ढूंढेगा ट्राइडेंट फार्म मेरे को ना गाइस। ऐसे देखो मैंने सुना है, ठीक है, उम्मीद पे दुनिया कायम है, ठीक है, उम्मीद रखना चाहिए गाइस, हमेशा उम्मीद रखो। मैं उम्मीद रखता हूँ, मुझे उम्मीद है, मुझे मेरे दिल से उम्मीद है कि जो समंदर है जिसमें ट्राइडेंट फार्म बना हुआ है वो समंदर इधर ही चाहिए। आई हैव फुल उम्मीद गाइस, ठीक है, मैं पूरे उम्मीद के साथ नीचे गिरा, मैं कह रहा था मैं पूरे उम्मीद के साथ मैं उस तरफ जा रहा हूँ, मुझे पता है कि समंदर इधर ही किधर है। आई नो इट गाइस, आई नो द समंदर इज हियर समवेयर एंड आई हैव फुल उम्मीद, टेंशन ही मत लो। आ जाओ गाइस हम सब उम्मीद का गाना गाएंगे, हम होंगे कामयाब एक दिन। ओ समंदर किधर है तू, ट्राइडेंट फार्म
किधर है तू? अबे ट्राइडेंट फार्म मिल जा, वीडियो बनाना है मुझे। हेलो कुत्ता पार्टी, क्या बोलती कुत्ता पार्टी? अरे खाती क्या? अच्छा खाती। अरे तू मेरा कुत्ता बन गया, तू भी खा लिया? ओ तू भी खाएगा? ले खा, तू भी खाएगा? तू भी खा। क्या तू मेरा कुत्ता बन गया? अरे कुत्ता पालते कैसे? खाया गोल्डन कैरेट? खा खा। अरे भाई तेरे को गोल्डन कैरेट दे रहा हूँ, तेरे को गोल्डन, इतना प्यारा तेरे को गोल्डन कैरेट दे रहा हूँ। अच्छा क्या खाएगा तू? अच्छा लगता है लो बेरीज खाता है। तेरे को पता नहीं कुत्ता पाला नहीं आज तक मैंने, पता नहीं मेरे को, मैं इसको बेरीज खिलाएगा ठीक है। और इधरा, और इधरा बेरीज खा, बेरी खाएगा, बेरी खाएगा, बेरी मीठा मीठा, बेरी मीठा मीठा खाएगा? नहीं खाएगा यार। हम जाते हैं समंदर ढूंढने को। यस बैक टू अवर सॉन्ग। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। स्कूल में ना हम लोगों को गाना इसने सिखाया था, आज से 15 साल बाद जब तू माइनक्राफ्ट खेलेगा तभी गाना गाने का, हम होंगे कामयाब। ठीक है, मेरे को ना अभी समझ में आ रहा है कि ईशान भाई ने इतना इजीली कैसे मान लिया। मतलब मेरे को, मैं अभी रियलाइज कर रहा हूँ कि ईशान भाई ने इतने इजीली एक्सेप्ट कैसे कर लिया कि तू जा, तेरे को अगर ट्राइडेंट फार्म मिलेगा तो तेरे को जितना मांगते ट्राइडेंट ले ले। मैं अभी रिलीज करो, इतने आसानी से कैसे मान लिया? क्योंकि भाई ट्राइडेंट फार्म को ऐसी जगह पे बनाया है कि मेरे को लग रहा है ईशान भाई खुद ही भूल जाते ना किधर बनाया है, तभी तो इतने आसानी से मेरे को हाँ बोल दिया। पर ईशान भाई, मैं ट्राइडेंट फार्म के बिना मैं आज हीरो ब्रांड में लौटूंगा ही नहीं, ठीक है? या तो आज रॉनी ट्राइडेंट के साथ वापस आएगा या रॉनी कभी वापस नहीं आएगा। जी हाँ दोस्तों, जब तक मुझे ट्राइडेंट नहीं मिलता है मैं वापस नहीं जाऊंगा। ये इज्जत पे बात है हमारी गाइस। अभी पूरे एसएमपी में आई थिंक सबके पास एक ट्राइडेंट है एक्सेप्ट मी। भाई गजब बेइज्जती की बात है ये तो। ये क्या है? ये समंदर है, समंदर है, समंदर, 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 समंदर। ताला बेरी। ओके ओके ओके, अगर मैं स्पंजबॉब का गाना गाऊं तो क्या मेरे को समंदर इजीली मिल जाएगा? समंदर के अंदर पाइनएप्पल का घर, ओ नहीं, समंदर के अंदर ट्राइडेंट का फार्म, ईशान भाई का ट्राइडेंट फार्म। भाई मैं स्पंजबॉब गाना भूल गया, मुझे सिर्फ इतना याद है, ओ समंदर के अंदर ट्राइडेंट का फार्म। बिना ट्राइडेंट का फार्म लिए हम वहां से वापस जाएंगे कि नहीं? अबे डेजर्ट आ गया उत्तरी। ओ एक सेकंड, गाइस सिर्फ डेजर्ट नहीं आया है, ये समंदर भी आया है। गाइस स्पंजबॉब का गाना काम कर गया, अपने को यहाँ पर समंदर मिल चुका है। ओए इनफैक्ट इस समंदर में एक बोट भी लगा हुआ है, मतलब आई थिंक गाइस ट्राइडेंट फार्म इधर ही किधर है। ये बोट से कोई तो पक्का आया है वापस, ये देखो इससे कोई तो वापस आया हुआ है, जिसका मतलब ट्राइडेंट का फार्म इधर ही किधर तो सामने है समंदर में। अब मुझे बस इस खुले समंदर में एक ऊंचा सा टावर ढूंढना है और उस ये क्या है, ओ नहीं, उस टावर के बाजू में एक छोटा सा आइलैंड है जिसपे एक नेदर पोर्टल बना हुआ है। तो या तो गाइस मुझे वो नेदर पोर्टल ढूंढना है या मुझे वो लंबा सा ऊंचा सा टावर ढूंढना है। ओ शिपरेक, आई थिंक शिपरेक पक्का वो लूट लिया रहेगा। मतलब ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि शिपरेक कोई लूटा नहीं है, है ना? अभी वेट, अरे वेट गाइस, आई थिंक शिपरेक कोई लूटा नहीं है। हाँ अबे हाँ भाई, ये लूटा नहीं है, पर इसमें कुछ खास है भी नहीं, इसमें कुछ खास है भी नहीं, इसमें बस आयरन है और थोड़ा सा पेपर ही पर है, उसको क्या करूंगा क्या मैं? चलो 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 आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, अपने को ढूंढना है, अपने को ट्राइडेंट फार्म ढूंढना है गाइस, हमें ट्राइडेंट लेकर वापस जाना है आज। गाइस इस तरफ ये खुला समंदर लग रहा है मेरे को, ये मेरे को खुला समंदर लग रहा है। मुझे जहां तक मुझे आइडिया है कि वो शायद से खुले समंदर के बीच में होगा, ऐसे दो आइलैंड्स आइलैंड ऐसे जमीन के आसपास नहीं होगा। तो भाई चुपचाप इस तरफ समंदर में चलते हैं, क्या अपने को इधर वो मिल जाए? ओ भाई यही तो है। ओ यस, अबे अपने को ट्राइडेंट फार्म मिल गया और यहाँ बोल्ट पड़ा किसी का तो, और आई थिंक वो नेदर पोर्टल इस पे होगा। अरे भाई गाइस अपने को ट्राइडेंट फार्म मिल गया, अबे यही तो है ट्राइडेंट फार्म, अबे सही है। गाइस वी फाउंड द ट्राइडेंट फार्म। ओ मैं मर रहा हूँ, ओ सॉरी 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 सॉरी। ट्राइडेंट फार्म तो मेरे को मिल गया, पर ट्राइडेंट फार्म मिलने से ईशान भाई तो मेरे को ऐसा घर पे आके ट्राइडेंट देके नहीं जाएंगे, मेरे को ट्राइडेंट खुद ही निकालना पड़ेगा। तो ये फार्म काम कैसे करता है? ओए 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 नहीं 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 नहीं, मैं ड्राउंड नहीं हूँ, मेरे को जाने दो प्लीज प्लीज, मेरे को जाने दो, मैं ड्राउंड नहीं हूँ, मैं मर जाऊंगा इधर, प्लीज मेरे को जाने दो, मैं ड्राउंड नहीं हूँ, प्लीज यार
प्लीज छोड़ दे यार मेरे को। अरे नहीं 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 हूँ मैं। अरे प्लीज यार, यार मैं बाहर कैसे निकलू? नहीं 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 भाई, मैं ड्राउट ले ही हूँ, मैं बाहर कैसे निकलू भाई, मैं बाहर कैसे निकलू? अबे नीचे सोल सैंड है, बे नीचे सोल सैंड है, मतलब यहाँ से बाहर निकलना बहुत ही मुश्किल है। ओके मेरे को इसको तोड़ना पड़ा। आई होप दिस स्टिल वर्क्स। ओके दिस स्टिल वर्क्स। भाई मैं उधर मरते मरते बचाऊ। सो एक सेकंड, इस साइलेंट पे क्या है? तू पानी के अंदर ही मुझे मारने आ गया गंदा बच्चा। इधर तेरे को तीर मारूंगा मैं। इधर ओके गाइस, आई थिंक मुझे अभी तक पता नहीं कि ट्राइडेंट फॉर्म काम कैसे करता है। अच्छा ओके, सो आई थिंक वो नेदर पोर्टल से जो भी ड्राउंड स्पॉन होते हैं उन लोग उससे अंदर जाते हैं और फिर हमें शायद से इस नेदर पोर्टल से अंदर घुसने गए और ये नेदर पोर्टल से हम शायद से उसके पास पहुंच जाएंगे। ओ ये रहा। आप समझा मेरे को, तो वो जो ट्राइडेंट है वो सारे ट्राइडेंट देखो स्पॉन यहाँ से हो रहे हैं, वो सारे ट्राइडेंट स्पॉन यहाँ से होंगे और यहाँ से अंदर आने के बाद मुझे ये नेदर पोर्टल से इधर आने गए नेदर में और मुझे इधर आके इनको बस मारना है ऐसे 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 ऐसे, दैट्स इट। ओके दैट इज वेरी बिग ब्रेन्स। ईशान भाई ने बहुत बिग ब्रेन लगाए सुमाने के लिए। सो आई थिंक ये ट्राइडेंट फार्म के लिए अपने को ऊपर चल के एएफए करना पड़ेगा, क्योंकि मतलब देख के तो मुझे वही लग रहा है नीचे एएफके तो नहीं करेंगे, मेरे को एएफके लिटरली मेरे को एएफए करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे लग रहा है ये ट्राइडेंट फार्म से ना इतनी इजीली ट्राइडेंट्स नहीं मिलेंगे अपने को। मतलब हमें बहुत सारे ड्राउंड के स्पॉन होने का वेट करना पड़ेगा और वो उतने सारे ड्राउंड में से किने चुने ड्राउंड जो है वो ड्रॉप करेंगे ट्राइडेंट्स, तो हमें वो ड्राउंड का स्पॉन होने का वेट करना पड़ेगा ऊपर चढ़ के। चलो भाई जल्दी जल्दी ऊपर जाके एएफके हो जाएंगे। वैसे मेरे को थोड़े ऐसे हगने आ रहा है तो मैं इधर एएफके होके हगने जाएगा। ओके ठीक है भाई, फुल एएफके बाजी, मैं थोड़ा सा हग्गू करके आता हूँ। बाय बाय, प्लीज ड्राउंड स्पॉन हो जाना बहुत सारे ट्राइडेंट के साथ। Few moments later. Okay. Spawn कितना हुआ? Okay भाई, जल्दी चलकर देखते हैं कि अपने को जितने भी ड्राउंड स्पॉन हुए उनमें से कितने सारे ड्राउंड में ट्राइडेंट्स हैं। ओए, तू पागल है? इधर क्यों आ गया? ओ भाई, ड्राउंड का आवाज सुनो। अबे ज्यादा स्पॉन नहीं हुए बे, अबे ट्राइडेंट वाला है। गाइस तुम्हें क्या लगता है मुझे कितने ट्राइडेंट्स मिलेंगे अभी? मेरे स्वॉर्ड में लूटिंग 3 लगा हुआ है, लेट्स ट्राई। एटलीस्ट 2 ट्राइडेंट प्लीज, एटलीस्ट दो ट्राइडेंट्स तो मिलना ही चाहिए, कुछ नहीं तो 2 ट्राइडेंट्स मिलना चाहिए। ओ भाई द मोमेंट ऑफ ट्रुथ, कितने ट्राइडेंट्स मिले? एक भी नहीं मिला बे, एक भी नहीं मिला ट्राइडेंट भाई, एक भी ट्राइडेंट नहीं मिला भाई, क्या बेइज्जती की बात है बे, एक भी ट्राइडेंट नहीं आया। ओए 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 भाई 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 तुम लोगों तकलीफ क्या है भाई? गाइस यार कुछ ज्यादा ही बेइज्जती की बात हो गई यार, इतने देर तक बैठने के बाद, इतना देर तक मैं संडास में बैठ के आया फिर भी हमें एक भी ट्राइडेंट नहीं मिला। मैं सोच के आया था 2-3 ट्राइडेंट तो मिलेगा भाई, ऐसे में पूरा इन्वेंटरी कैसे भरूंगा ट्राइडेंट से? चलो कोई बात नहीं, फिर से अपने को एएफके करना पड़ेगा। वंस अगेन एएफके टाइम। मैच लेटर। ओके गाइस, इस बार मैंने थोड़ा और ज्यादा समय तक एएफके किया है और होपफुली इस बार मेरे को एक तो ट्राइडेंट मिलना ही चाहिए, ठीक है? एक कुछ नहीं तो एक तो मिलना ही चाहिए, क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा एएफके किया है। मतलब तुम मानोगे नहीं, कम से कम एक एपिसोड देख कर आया हूं पूरा। ओ भाई यस। ओए तू क्यों आ गया? अरे इस बार बहुत सारे लग रहे, अबे इस बार तो साले बहुत सारे लग रहे, अब तो ट्राइडेंट ही ट्राइडेंट होगा भाई। मारना चालू करो, दे ट्राइडेंट। भाई एक तो ट्राइडेंट मिल जाए यार, एक ट्राइडेंट मिल जाए बस। ओ भाई ये मेरे हीरो ब्रांड एसएमपी का सबसे पहला ट्राइडेंट है। आई डोंट नो मुझे और कितने मिलेंगे। ओह भाई फाइनली मुझे एक ट्राइडेंट मिल गया, ये मेरे हीरो ब्रांड एसएमपी का सबसे पहला ट्राइडेंट है। अभी एक और ट्राइडेंट गिरा। मुझे कितने ट्राइडेंट्स मिले अभी? 1, 2, 3, 4। ओह भाई
ये AFK, मुझे चार ट्राइडेंट मिल गए। मतलब बस कितने अभी, 1, 2, 3, 4, 5, मेरे पास 5 ट्राइडेंट हो गए। आई डोंट थिंक सो किसी के पास भी 5 ट्राइडेंट्स होंगे। ओ भाई लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो, फिर से AFK करेंगे भाई, फिर से AFK करेंगे। इस बार तो भाई और ट्राइडेंट्स चाहिए भाई। अब तो ट्राइडेंट्स का अपना गोल बढ़ता जा रहा है भाई। अभी अपने पास सिर्फ 5 है मेरे को। नहीं 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 ना मुन्ना, ना मुन्ना, नहीं मुन्ना, नहीं मुन्ना, हम ट्राइडेंट लेने आए मुन्ना, तुम कहाँ लड़ रहे हो। फिर से चल के AFK करेंगे। और भाई मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि अगले अभी ऐसे ओए व्हाट, ओए तू इधर आ गया, तू अंदर नहीं गया। ट्राइडेंट दे, ट्राइडेंट दे। अरे यार नहीं दिया। ओए उसका बच्चा, ए मेरा टाइम वेस्ट मत करो, मेरे को ट्राइडेंट लेने का है, प्लीज लेट मी गो गेट ट्राइडेंट। 346 मिनट्स लेटर। ओके थोड़े और AFK सेशन के बाद इस बार मेरे को कितने ट्राइडेंट मिलेंगे। अबे इतना स्पॉन क्यों होते हैं लोग इधर भाई, इधर लाइट करना पड़ेगा अपने को, दिस प्लेस इज नॉट वेल लिट। ओ भाई ओ भाई ओ भाई ओ भाई ओ भाई, ओए डॉल्फिन, ओए डॉल्फिन तो ये ना है कि इधर कहीं को आया तू, समंदर नहीं है इधर, पानी डालेगा तो मतलब नहीं कुछ भी। लगता है डॉल्फिन येड़ा इधर से गिरा और इधर आ गया, येड़ा कहेगा। चलो मारो ट्राइडेंट दे दो। हाय फ्रेंड्स ट्राइडेंट दे दो, ट्राइडेंट ट्राइडेंट दे दो भाई, 5 ट्राइडेंट। अबे तू क्यों बीच में आ रहा है। ओ आई एम सॉरी डॉल्फिन, मैं डॉल्फिन को कैसे बचाता। कोई बात नहीं, वापस बैक टू ट्राइडेंट बिजनेस। ट्राइडेंट दे दो प्लीज, ट्राइडेंट दे दो, ट्राइडेंट 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 ट्राइडेंट। आई डोंट नो मुझे कितने ट्राइडेंट मिले। गाइस जल्दी से गैस करो कि मुझे कितने ट्राइडेंट मिले रहेंगे। मैं गैस कर रहा हूँ कि मुझे एटलीस्ट 3 तो ट्राइडेंट मिले होंगे। 3, 2 मिला, 2 बट स्टिल नॉट बैड। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ट्राइडेंट हो गए। 7, कैन यू बिलीव इट गाइस, 7 ट्राइडेंट हो चुके अपने पास। अभी हमें एक और बार, आई थिंक एक दो बार और अगर हम AFK कर लेंगे तो हमारे पास इनफ ट्राइडेंट हो जाएगा। अरे तू इधर क्या कर रहे है, जाके ड्राउंड मन उसमें घुस, तेरे से ट्राइडेंट निकलेगा। ओके भाई थोड़ा और अभी अपने को करने का AFK। 3:28 AM ओके गाइस, एक और लंबे AFK सेशन के बाद हम लोग फिर से चलने वाले हैं नेदर में। और आई थिंक ये मेरा लास्ट AFK सेशन होगा क्योंकि मेरे पास, ओए तुम लोग कितने आते हो बे, तुम लोग कितने आते हो बे, ये क्रीपर कुछ ज्यादा स्पॉन नहीं हो रहा आजकल, मर जा। आई थिंक इस वाले AFK के बाद मेरे पास बहुत सारे ट्राइडेंट्स हो जाएंगे और मुझे वही तो चाहिए, मुझे पूरे SMP में सबसे ज्यादा ट्राइडेंट्स मेरे पास चाहिए। ओ अरे तुम लोग कहीं को आ रहे हो, इधर इधर नहीं उधर से आने का, तुम लोग ड्राउंड बन गए। ओ भाई अबे इस बार बहुत सारे ट्राइडेंट वाले बंदे दिख रहे हैं, व्हाट द हेल। दे दे भाई ट्राइडेंट, दे दे भाई, भाई लूटिंग 3 से मार रहा हूं यार, ट्राइडेंट दे दे भाई, भाई ट्राइडेंट दे दे भाई, लूटिंग से मार रहा हूं यार। ओ ओ ओ एक और ट्राइडेंट मिला भाई, ट्राइडेंट दे दे भाई, ट्राइडेंट दे दे, 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 ट्राइडेंट 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 ट्राइडेंट। ओ भाई अभी मुझे पता नहीं कि मेरे पास इधर कितना ट्राइडेंट है, बट आई थिंक आई एम रेडी फॉर इट। मेरे पास इधर है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ट्राइडेंट। क्या मुझे एटलीस्ट 2 ट्राइडेंट मिलेंगे जिससे मेरे पास 10 ट्राइडेंट हो जाएंगे। 1, 2, 4, 5, 6, 7 भाई, भाई कितने सारे हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ट्राइडेंट्स, 15 ट्राइडेंट्स भाई। ओपे भाई मैं ट्राइडेंट्स का दुकान खोल सकता हूँ। ओ भाई गाइस मैं इससे ट्राइडेंट का दुकान खोल सकता हूँ, मेरे पास इतने ज्यादा ट्राइडेंट्स है। ये क्रीपर को पहले मार के आता हूँ वरना ये क्रीपर ना, ओए इधर आ पट्ट से, ओ अच्छा पट्ट से मर गया वो। ओए कितने क्रीपर भाई, क्रीपर क्या पीक कर रहा है बे, क्रीपर अच्छा बीजीएम प्लेयर है। गाइस आई नो मुझे बहुत सारे ट्राइडेंट मिल चुके, मुझे 16-17 ट्राइडेंट ऑलरेडी मिल ही चुके, बट यू नो गाइस लालच आहा लप, तो इस लालच के चलते हम एक और बार थोड़े और समय के लिए AFK हो जाएंगे।
भाई क्या मैं पूरा इन्वेंटरी भर के ट्राइडेंट वापस लेके जा सकता हूँ? क्या मैं पूरा इन्वेंटरी भर के ट्राइडेंट लेके वापस जा सकता हूँ? What? Hello guys, तो ये वीडियो को मैं अभी एडिट कर रहा था और एडिट करते करते मैंने एक चीज रियलाइज किया कि रिकॉर्डिंग के समय मैं एक चीज हक दिया। तो बेसिकली मैं जब भी एफ के आता था मैं अपने रिकॉर्डिंग को पॉज करता था ताकि फालतू का ऐसा एक्स्ट्रा रिकॉर्डिंग ना हो जाए, और वो पॉज करने के लिए मैं एक हॉटकी यूज कर रहा था। और मैंने रियलाइज किया कि इसके बाद जब मैंने रिकॉर्डिंग को पॉज किया मैं आगे उसको अनपॉज करना भूल गया। फिर उसके बाद आई थिंक मैं 2 या 3 बार या 4 बार और एफ के हुआ था, मुझे भी याद भी नहीं, और उसके बाद मैंने रिकॉर्डिंग को रिज्यूम कर दिया। तो अगला जो तुम लोग देखने वाले हो वो पकड़ लो और 1-1.5 या 2 घंटे के बाद की बात है। कंटिन्यू करते वीडियो। ओ पी भाई, भाई यार मजा ही आ गया भाई, मैं पूरे SMP का सबसे अमीर ट्राइडेंट वाला बंदा बन चुका हूँ। आई डोंट थिंक किसी और के पास 19 ट्राइडेंट्स भी है, पर अभी मैं सोच रहा हूँ कि मैं इतने सारे ट्राइडेंट्स करूंगा क्या। आई थिंक मैं ओ भाई ये 3 तो बहुत ही ज्यादा XP वाले मिले मुझे। आई हैड नो आइडिया कि इतने अबे इसका तो XP ऑलमोस्ट फुल है। इसको मैं यूज करूंगा, मैं 2 ट्राइडेंट को मेरा मेन बनाऊंगा, एक पे लॉयल्टी लगाऊंगा, एक पे रिपटाइड लगाऊंगा जिससे मुझे पता नहीं होता क्या है, और शायद से एक पे चैनलिंग लगाऊंगा जिससे मुझे पता नहीं होता क्या है। तो मेरे को भाई ईशान भाई को पूछना पड़ेगा। और अभी सबसे मेन लफड़ा है कि इधर से घर कैसा जाने का है मेरे को वो पता नहीं। सो मेरे को लग रहा है कि मुझे कल ईशान भाई को बुलाना ही पड़ेगा। अभी तो ईशान भाई सो गया रहेगा, मेरे को कल सुबह उठ के ईशान भाई को सर में बुलाना पड़ेगा और ईशान भाई को मुझे हेल्प करना पड़ेगा कि मैं वापस घर कैसा जाऊं। So anyway guys, that is it for the video. ये वीडियो रिकॉर्ड करते करते भाई ऑलमोस्ट 5 बज चुका है, मैं ये वीडियो 2 बजे से रिकॉर्ड कर रहा हूं, मुझे इतनी बार एफ को ना मिला। So इस वीडियो के लिए बहुत ज्यादा मेहनत लगी, तो अगर तुमको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। हमारा टारगेट है कि ये ईयर एंड तक हम लोग को 3 मिलियन सब्सक्राइबर्स पहुंचना है, तो अगर तुमने सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो। और तुमसे मिलता हूं मैं अगले वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।